बहुत छोटे थे हम, शायद 91-92 की बात है। यह बिल्कुल सच्चा वाक्या है। एक भाई साहब लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 6 साल का था, मुझसे छोटा भाई 4 साल का था। अम्मा अब्बा हर महीने सौदा सल्फ लाते तो साथ कुछ चुटपुट टॉफियां, चिप्स वगैरह भी लाजमी लाते। ये टॉफियां हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती, मगर एक एक करके, किसी एक वक्त एक से ज़्यादा नहीं। मेरा ख्याल है कि हर घर में तरीक़ेकार यही होता है। ये टॉफियां फ्रिज में पड़ी हुई थी, गालिबन दोपहर का वक्त था, सब अपने कामों में लगे हुए थे। अचानक किसी पर इंकशाफ हुआ कि साथ दिखाई नहीं दे रहा, यहीं कहीं होगा। कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ दिख आई, जवाब नहीं आया। अरे अभी तो टॉफी वसूल करते यहीं थे, कहाँ चला गया? अब ढूंढना शुरू किया। घर का एक मेन गेट था, बड़ा सा लोहे का, जो कार पोर्च में खुलता था। वहाँ से ग्रिल, फिर टीवी, लाउंज, मेन गेट के बाएं जाने बैठक का दरवाज़ा था। बैठक में सोफे वगैरह पड़े हुए थे। बाएं जाने बाथरूम दरवाज़ा, जो पिछली तरफ सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। बैठक से अंदर जाओ तो टीवी लाउंज, जहाँ दो कमरे, इनके दरमियान सहन था, और उनके बिल्कुल बाएं जानब किचन था। घर में तलाश शुरू हुई, पूरा घर छान मारा, ढूंढा, लेकिन वो गायब। अब सबकी सीटी गुम, साथ गुम हो गया। जाने कितने ही खौफ जो ऐसे हालात में जहन को सताते हैं, खुदा न खास्ता अगवा तो नहीं हो गया? कहाँ होगा, इसे तो घर का पता ही नहीं आता। मोबाइल फ़ोन का जहूर होने में अभी 1-1.5 दहाई बाकी है। पीटीसीएल पूरे मोहल्ले में किसी एक घर में होता था। मदीना कॉलोनी पेशावर, फिर इसमें बशीराबाद पेशावर का मजाफाती इलाका था। घर से निकलते ही खेत दिखाई देते थे, और इस इलाके में 4 साल बच्चा गायब, या अल्लाह। बाहर निकले मोहल्ले में ढूंढते रहे, साथ का कोई पता नहीं था। जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 4 साल का बच्चा कितनी एक रफ्तार से और कितना चल सकता है। हालत बुरी होने लगी, मोहल्ले में ढूंढते फिरते रहे, कामयाबी मगर नहीं मिल रही थी। इसी दौरान गालिबन अम्मा ने किसी वजह से रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला, इंकशाफ हुआ कि अंदर टॉफियों का पैकेट मौजूद नहीं है। उफ, चलो एक बार फिर घर में तलाश करते हैं। अब की बार टॉफियों के पैकेट के साथ साथ की गुमशुदगी को जोड़कर घर के हर दरवाजे, मसलन बेड वगैरह के नीचे, साथ को तलाश करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। साथ बैठक में मौजूद सोफे के पीछे सुकून से बैठा टॉफियों का आधा पैकेट हजम कर चुका था, जबकि बाकी का निस मसरूका माल साथ समेत बाजियाब करवा लिया गया। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।